आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 604वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सुबह सवेरे जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा चुनावी बॉन्ड्स के संबंध में जो फैसला दिया गया है उस बारे में हम चर्चा करते हैं। क्या चुनावी चंदा बन गया था फायदे का धंधा? एक तरह से देखा जाए तो राजनीतिक दलों के लिए ये एक अलग तरह की बात हो चुकी थी। जनता के लिए जनता द्वारा लोकतंत्र को परिभाषित किया गया है, फिर जनता को इस चंदे के बारे में क्यों ना पता रहे, जो पैसा आ रहा है उसके बारे में पता क्यों ना रहे जनता को, ये बात पता नहीं राजनेता क्यों नहीं समझ पाते हैं। बृहस्पतिवार 15 फरवरी 2024 को सुबह अचानक ही पूर्व चुनाव आयुक्त रहे हैं टीएन शेषन, तिरुनले नारायण अय्यर शेषन, अर्थात टीएन शेषन की यादें ताजा हो गई, उनकी याद अचानक आ गई। दरअसल खबर आई कि देश की सर्वोच्च अदालत के द्वारा चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया गया और भारतीय स्टेट बैंक को 6 साल पुरानी इस योजना में दान देने वालों के नामों की जानकारी, जिसमें इस बात का भी उल्लेख हो कि किस तारीख को इन बॉन्ड्स को बनाया गया और इसमें कितनी राशि थी, इसको समाहित कर जानकारी देने की बात कही गई। चुनाव आयोग को यह पूरा विवरण 6 मार्च तक निर्वाचन आयोग के समक्ष पेश करने के निर्देश भी दिए गए। शुरुआत में टीएन शेषन का उल्लेख हमने इसलिए किया क्योंकि बतौर चुनाव आयुक्त तो उनका कार्यकाल 12 दिसंबर 1990 से 11 दिसंबर 1996 तक रहा। उनके द्वारा साफ सुथरे और निष्पक्ष चुनाव के लिए पहले से जो नियम पहले से बने थे उन नियमों का सिर्फ कड़ाई से पालन कराया गया, जिसके चलते तत्कालीन नेता उस समय के जो नेता थे उनसे उनका टकराव, टीएन शेषन का टकराव भी जबरदस्त हुआ, जमकर हुआ। सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की 5 जजों की संविधान पीठ ने इस योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 2 अलग अलग लेकिन सर्वसम्मत फैसले सुनाए हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि 2002 में 2 नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय देश की सबसे बड़ी अदालत के द्वारा इस मामले को की सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। चीफ जस्टिस ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ये संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत बोलने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। पीठ ने कहा कि नागरिकों की निजता के मौलिक अधिकार में राजनीतिक गोपनीयता, संबद्धता का अधिकार भी शामिल है। फैसले में जनप्रतिनिधित्व कानून और आयकर कानून सहित विभिन्न कानूनों में किए गए संशोधनों को भी अवैध ठहराया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि संबद्ध बैंक चुनावी बांड जारी नहीं करेगा, स्पष्ट तौर पर कहा, और SBI 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए चुनावी बॉन्ड्स के ब्यौरे को निर्वाचन आयोग को देगा। बड़ा फैसला है। इस पीठ ने पिछले साल 31 अक्टूबर को कांग्रेस नेता जया ठाकुर, CPM और NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR द्वारा दायर याचिकाओं सहित 4 याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की थी। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कॉमन कॉज और ADR की तरफ से दलीलें दी थी। सर्वोच्च न्यायालय में मामला चल रहा था। दिल्ली के सियासी हलकों में अब सन्नाटा पसरा दिखाई देने लगा है। इस मामले में कानून के जानकारों का कहना है कि अब क्या रास्ता केंद्र सरकार के पास रह जाता है, केंद्र सरकार के पास एक रास्ता रह जाता है, रिव्यू पिटीशन दायर करने का अधिकार अभी केंद्र सरकार के पास है। रिव्यू पिटीशन में वैसे तो हालिया फैसले को बदला जा सकता है, पर अब तक रिव्यू पिटीशन में कम ही फैसले बदल पाए हैं, जो कानून के जानकारों का कहना है। आपको बताना मुनासिब होगा कि 2018 में 2 जनवरी को चुनावी बांड योजना को केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचित किया गया था।
सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में कोहराम मचना स्वाभाविक है, बहुत स्वाभाविक है। वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह कहकर त्याग पत्र मांग लिया है कि जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कि एकल बेंच के द्वारा ये पाया गया था कि इंदिरा गांधी के द्वारा सरकारी धन का उपयोग चुनावी प्लेटफॉर्म पर किया गया है, तब जयप्रकाश नारायण ने उनसे त्याग पत्र मांग लिया था। इसी आधार पर नरेंद्र मोदी को त्याग पत्र दे देना चाहिए। अगर बात चुनावी चंदे की हम करते हैं तो 2022-2023 वित्तीय वर्ष में 720 करोड़ का चुनावी चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। कांग्रेस को 79.9 करोड़ का चंदा मिला है। और इसके अलावा 2021 और 2022 की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को 614.626 करोड़, कांग्रेस को 95.45 करोड़, एनसीपी को 57.9 करोड़, सीपीआईएम को 10 करोड़, तृणमूल कांग्रेस को 0.43 करोड़, नेशनल पीपल पार्टी को 0.34 करोड़ का चंदा मिला है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड योजना। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना ब्याज मुक्त धारक बॉन्ड या मनी इंस्ट्रूमेंट था जिन्हें भारत के अनेक कंपनी या व्यक्तियों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की अधिकृत शाखा से खरीदा जा सकता था। ये बॉन्ड 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, 10,00,000 रुपये और 1,00,000,000 रुपये के गुणांकों में उपलब्ध थे, बेचे जाते थे। किसी राजनीतिक दल को दान देने के लिए उन्हें केवाईसी अनुपालक खाते के माध्यम से, जिसका केवाईसी हो चुका उस खाते के माध्यम से खरीदा जा सकता था। इसके साथ ही जिस राजनीतिक दल को यह दिया जाता था उस राजनीतिक दल को एक निर्धारित समय सीमा निर्धारित थी, उसके अंदर इसे बनाना होता था। इस तरह के बॉन्ड जो थे वो साल में 4 बार जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में जारी किए जाते थे। 2019 तक इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री के 12 चरण पूरे हो चुके थे। 12 चरण में सबसे ज़्यादा 30.67% हिस्सा मुंबई में बेचा गया था और इसका सबसे ज़्यादा भुनाया अगर गया बम्बई ने सबसे ज़्यादा चंदा दिया गया और भुनाया गया 80.50% हिस्सा दिल्ली में भुनाया गया, देश की राजनीतिक राजधानी में, आर्थिक राजधानी में खरीदा दिया गया और यहाँ भुनाया गया। इतना ही नहीं, दान देने वाले का नाम और अन्य जानकारी दस्तावेज में दर्ज नहीं होती थी और इस प्रकार चुनावी बॉन्ड को गुमनाम भी लोग कहा करते थे। किसी व्यक्ति या कंपनी की तरफ से खरीदे जाने वाले चुनावी बॉन्ड की संख्या की कोई सीमा नहीं थी। सरकार ने 2016 और 2017 के वित्त अधिनियम के माध्यम से चुनावी बॉन्ड योजना शुरू करने के लिए 4 अधिनियमों में संशोधन किया था। ये संशोधन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, RPA कंपनी अधिनियम 2013, आयकर अधिनियम 1961 और विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम 2010 के माध्यम से इन्हें संशोधित किया गया था। 2017 में केंद्र सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को वित्त विधेयक के रूप में सदन में पेश किया गया था। सदन में पास होने के बाद 29 जनवरी 2018 को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की अधिसूचना जारी की गई थी। कहा यह जा रहा था कि राजनीतिक रूप से दिए जाने वाले चंदे की में नगद राशि के लेन देन को रोक लगाने के उद्देश्य और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से 2018 में इसे आरंभ किया गया था। चुनाव में राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने वाला कोई दानदाता अपनी पहचान उजागर किए बिना भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी जो चुनिंदा शाखाएं जहां ये मिलते थे शाखा से 1,00,000 रुपये मूल्य तक के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर अपनी पसंद के राजनीतिक दल को चंदे के रूप में उसे दे सकते थे।
इसमें उसे कर में भी छूट मिलती थी, टैक्सेस में छूट मिलती थी। आम चुनाव में कम से कम 1% वोट पाने वाले राजनीतिक दल इस बॉन्ड में चंदा हासिल करने के अधिकारी थे। सवाल अब यही उठता है कि राजनीतिक दलों को किसी कॉरपोरेट सेक्टर के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा दिए जाने वाले चंदे को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाना चाहिए। राजनीतिक दल उस राशि का उपयोग किस तरह कर रहा है, कहां कर रहा है, इस बारे में जानकारियां सार्वजनिक होनी ही चाहिए। राजनेता जब संसद, विधायक या अन्य दलों के लिए चुने जाते हैं तो उन्हें कौन चुनता है? जाहिर है, जनता चुनती है। वे जब आवाज़ उठाते हैं सदन में, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, अगर वे आवाज़ उठाते हैं तो किसके लिए उठाते हैं? जाहिर है, आम जनता के लिए। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए दशकों पहले ये बात कही थी कि ये जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए है, सब कुछ जनता के लिए ही हो रहा है। तब राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे पारदर्शिता क्यों नहीं आनी चाहिए, जनता को क्यों नहीं पता होना चाहिए? क्या ये आशंकाएं निर्मूल हैं कि कॉरपोरेट सेक्टर, कॉरपोरेट घराने या किसी व्यक्ति के द्वारा अपने हित साधने के लिए जीतने वाले राजनीतिक दल पर दांव लगाया जाता है ताकि सरकार बनने के बाद वो अपने हिसाब से अपने मनमाफिक नीतियों में संशोधन करवा सके? वरना क्या कारण है कि राजनीतिक दलों को भारी भरकम चंदा देने का, और दूसरा क्या कारण हो सकता है? जाहिर है, राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे को कर मुक्त एवं गुमनाम किया ही इसीलिए गया है ताकि इसमें पारदर्शिता का अभाव रहे। पारदर्शिता अगर रखनी है तो इसे सार्वजनिक किया जा सकता था। चंदा चूंकि सरकार में रहने वाला दल और विपक्ष को मिलता है, इसलिए इस मामले में सभी का मौन रहना स्वाभाविक है। कुल मिलाकर देश की सबसे बड़ी अदालत के द्वारा चंदे के मामले में एक नज़ीर पेश कर दी है, भी कहा जा रहा है, जो मुद्दा नहीं माना जा सकता है। इसे आम जनता की रग पर हाथ रखना अगर करार दिया जाए, निरूपित किया जाए, तो इसे ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। लिमटी की लालटेन के 604वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज़ की न्यूज़ चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। रोजाना सुबह 7 बजे इसका प्रसारण होता है। अगर आप कोई ये लिमटी की लालटेन और अन्य खबरें पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये सब कैसे लग रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 605वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।